रोहतक के अस्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में दो दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का समापन हो गया। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे। यहां उन्होंने रोहतक स्थित श्री बाबा मस्तनाथ मठ में ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी की स्मृति में शंख ढाल मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संत शक्ति कभी पलायन नहीं करती, वे चुनौतियों से जूझने का जज्बा रखती है। जो आज पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य भी है, कौतूहल भी है और उनके लिए एक दिशा भी है। वह दिशा है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम, जिन्हें यह विश्वास था वे प्लान करते थे, वे भागते थे, भूल करके भी श्री राम जन्मभूमि का नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर विश्वास था, यह तो धर्मस्ततो तो जय के इस सनातन वाक्य पर विश्वास था, वे लोग इस बात को मानते थे कर्म करना हमारा कार्य है, इसके परिणाम तो विधाता हमें देंगे ही देंगे, इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। जब आज दुनिया के अंदर संकट आ रहा है तो संकट के समय हर देश, हर धर्मावलंबी, दुनिया का हर पीड़ित मानव भारत की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सनातन धर्म के महत्व को बताते हुए कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। सनातन समाप्त नहीं होता, इसीलिए वो सनातन है, वो सर्वत्र रहता है। मनुष्य के शरीर में आत्मा के रूप में वो रहता है और उसका वर्णन गीता में है, नित्य सर्वगत स्थाणु अचल। वो नित्य है, शाश्वत है, मरता नहीं, मारता नहीं। योग गुरु बाबा रामदेव ने लोगों से योग को अपनाने का आह्वान किया। बाबा मस्तनाथ जी मात्र की एक समाधि नहीं है, ये सनातन का गौरव काल है और वो चारों ओर भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है। यहाँ सलबोहर में भी, रोहतक से लेकर के हरियाणा से लेकर के पूरे राष्ट्र में जो सनातन का गौरव है वह अपने आप में हमें आह्लादित करता है। हम धन्य है कि हमने भारत भूमि पर जन्म पाया है, हम भगवान राम कृष्ण के वंशज हैं, ऋषिकाओं के वंशज हैं, हम भगवान के अंश हैं, अपने पूर्वजों के वंश वंशधर हैं। और एक बात और भी कह देता हूं, राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता तो हर एक के लोग पीछे जाति ढूंढने लगते हैं। नाथ परंपरा हमारी ऐसी है जिसमें सारी जातियों का और भारत की सारी सांस्कृतिक परंपरा का समावेश है, यह है हमारी नाथों की परंपरा। या कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी, कोई जाति का भेद नहीं। बता दें कि मस्तनाथ मठ में दो दिनों के धार्मिक आयोजन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा मस्तनाथ मठ की समाधि का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।